हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये चीज जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। साथ ही साथ मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए तीन बार, देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले मून की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सन। ओके, सो मून के साथ ही सन की एनर्जी है गाइस। व्हाट एन अप एंड डाउन, ठीक है। दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ पेंटाकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में वी हैव थ्री ऑफ वैंड्स। ग्रेट, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोडियक साइंस यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस हैं। यानी ऑलमोस्ट सब जोडियक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो रीडिंग है ये सभी जोडियक साइंस के लिए है गाइस। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मून विद सन कैसे अप एंड डाउन है, यानी एकदम एक तरफ रात है एक तरफ दिन है, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो मुझे फिलहाल आप दोनों की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जहां पर बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज में हो आप दोनों, बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज है। मैं अभी बताती हूँ कैसे। यहाँ पर और भी एनर्जीज आई हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बात करूंगी। ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ये इस मून की एनर्जी में जहां पर बहुत लो वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की दिख रही हैं। ये पर्सन ने बिल्कुल अपने आप को अकेला कर दिया है, बहुत ज्यादा इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। साथ ही साथ मैं उनकी एनर्जी दिख रही हूँ जहां पर बहुत सफर कर रहे हैं ये पर्सन, ना बहुत सफर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सफर कर रहे हैं। किसी को भी ये बता नहीं रहे हैं जो भी मतलब इनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी अंदर से फील कर रहे हैं, अकेलापन, एक एम्प्टीनेस जो ये फील कर रहे हैं, ये उन चीजों को किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। ये सिर्फ अपने मतलब अकेला कर दिया है इन्होंने खुद को, और ये सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये हैं जिन्हें इस सिचुएशन को फेस करना होगा, और ये पर्सन अब इस सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, और इनको आपसे थोड़ा सा स्पेस की भी जरूरत है। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि ये पर्सन मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है या ये पर्सन कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा है इस कनेक्शन में, तो फिलहाल इनको थोड़े से स्पेस की जरूरत है। इनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, जिसके लिए ये थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, और बहुत ज्यादा वो इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इन चीजों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं आपके पार्टनर की वाइब्स देखूं तो बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशंस में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं मून की एनर्जी में। और अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए तो मैंने कहा ना बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज हैं, यानी आपकी जितनी लो वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की हैं उतनी ही हाई वाइब्रेशंस में आपकी देख रही हूँ। सन की एनर्जी में आप हो, यानी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मतलब आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। अब आप पास्ट को याद नहीं करना चाहते हो, आप पीछे मुड़कर अब नहीं देखना चाहते हो, आप अपने आगे लाइफ में देखना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचना चाहते हो। आप यही सोच रहे हो कि आपको यहाँ पर स्टक नहीं रहना है, इस पर्सन के साथ आपको स्टक नहीं रहना है। हाँ, बैक ऑफ द माइंड बहुत सोचते हो आप अपने पार्टनर के बारे में, और ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। ओके, हाँ, बैक ऑफ द माइंड आप भी अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस में बहुत ही हाई एनर्जी में देख रही हूं, जहां पर अब आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स पर फोकस कर रहे हो, अब आप पीछे मुड़कर इनको नहीं देखना चाहते हो, आप अब आगे देखना चाहते हो, अपने फ्यूचर की तरफ आप देखना चाहते हो। ओके, और अगर
ऐसा नहीं भी है ना, तो ये पर्सन अगर आपको देख रहे हैं या आपको नोटिस कर रहे हैं ना, तो इनको लिटरली ये चीज लग रही है कि आपकी वाइब्रेशंस कितनी हाई हैं, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आप ग्लो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आपको ये सन की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत हैप्पी देख रहे हैं, हैप्पी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। सन की एनर्जी क्या होती है? एक नई शुरुआत, है ना। सूरज जब सुबह निकलता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि अब आपने नई शुरुआत अपनी जिंदगी में कर ली है, आपकी आपकी दुनिया का सूरज अब निकल चुका है। और मैं यहाँ पर तो पॉजिटिव एनर्जी जो आज देख रही हूँ ना, इज लाइक मतलब काफी टाइम बाद ऐसी रीडिंग निकल कर आई है जहां पर मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी ऐसे देख पा रही हूँ, जहां पर बहुत पॉजिटिव चेंज अब आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत पॉजिटिव वे से, ठीक है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं और अब चीजें आपके फेवर में होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। काफी ब्लेसिंग्स ये इस ये जो पॉजिटिव चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है ना, इसका कहीं ना कहीं रीजन है ब्लेसिंग्स, जो आपने इतनी प्रेयर करी है, इतने स्पिरिचुअल थे आप, मतलब काफी ज्यादा आपने मतलब जैसे पूजा पाठ करना उन चीजों में आपने बहुत ज्यादा फोकस रखा है, बहुत प्रे करा है आपने इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं, ओके। एंड मैं देख रही हूँ कि वो प्रेयर्स, वो मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रही हैं, वो मैनिफेस्टेशंस आपके लिए वर्क कर रही हैं और अब आप आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो ये पॉजिटिव चेंज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल और थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक समय था जहां पर ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अकेला इन्होंने महसूस करवाया, एक समय था जहां पर आप इनके लिए वक्त की, आप इनसे इनके वक्त के लिए तरसते थे, इनके प्यार के लिए तरसते थे, तड़पते थे आपकी ये आपको वक्त दें, आपके साथ समय बिताएं, आपको प्यार दें, आप जो प्यार डिजर्व करते हो वो प्यार आपको दें, है ना। एक समय था जहां पर आप इन चीजों के लिए तड़पते थे और आज चीजें ऐसे बदली हैं जहां पर मैं देख रही हूं कि ये पर्सन अब आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, जहां पर अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करो, आप इन्हें वक्त दो, आप इन्हें माफ करो, ठीक है। और ये लिटरली बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं कि इनके दिल से, इनके दिमाग से आपका ख्याल ना आए, ठीक है। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आप ना हमेशा मतलब इस रिलेशनशिप में आपने अनकंडीशनल लव दिया है, आप अपनी तरफ से पूरे डिवोटेड रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आप 100% आपने डिवोशन दिया है। यानी अगर आप इस पर्सन के साथ थे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ भी बातें कर रहे हो या आप किसी और को भी चाह रहे हो, किसी और के लिए भी आपके दिल में लाइकनेस है, नहीं। अगर आप इस पर्सन के साथ थे तो पूरे 100% लॉयल, 100% ऑनेस्ट और 100% इनकी तरफ डिवोटेड थे, ठीक है। आप बिल्कुल लॉयल रहे हो, आपने बिल्कुल स्टेबिलिटी अश्योरेंस इस पर्सन को दिया है, है ना। बट ये पर्सन कभी भी आपको वो अश्योरेंस, वो लॉयलिटी नहीं दे पाए और आज ये पर्सन ना लिटरली आपके उस प्यार को, उस ऑनेस्टी को, उस डिवोशन को मिस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ऐसा कनेक्शन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा प्यार उन्हें कहीं नहीं मिल सकता है, आप जैसा पर्सन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता है जो इतना डिवोटेड, इतना प्यार करने वाला हो, इतनी केयर करने वाला हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, ये वक्त ने, इन हालातों ने इनको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत बड़े अच्छे से समझा दिए और आज भी जब वो मुड़कर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और आज भी जब वो मुड़कर इस कनेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं तो वो देख पा रहे हैं कि वो कितने गलत थे और आप कितने सही थे, ठीक है। उन्होंने कभी इस कनेक्शन में कोई एफर्ट्स नहीं डाले और जितने एफर्ट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से थे। तो जब आज भी वो इस कनेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां नजर आ रही हैं और आपकी अच्छाइयां और आपकी खूबियां नजर आ रही हैं। तो जब वो इस रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो वो यही खुद से डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, उन्हें खुद पर शर्मिंदगी आ रही है कि वो कितने गलत थे, उन्होंने उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं इस कनेक्शन में, ओके। चलिए और भी देखते हैं इस कनेक्शन में और क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस कनेक्शन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं इस कनेक्शन में और क्या है आगे, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का और क्या है जो मेरे व्यूअर्स को और जानना चाहिए। ओके, सो दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Swords, See, Moon की एनर्जी फिर रिपीट हो रही है विद Ace of Pentacles. So this is Moon and this is Ace of Pentacles. Okay.
Hermit. Four of Cups. Nine of Wand and bottom में यहाँ पर है High Priestess. ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस लाइक आप देखिए एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस है, नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड मून की एनर्जी भी यहाँ पर रिपीट हो रही है विद हर्मिट. ये पर्सन जैसे जैसे सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं ना वो अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना. तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं. इन्हें दिख रहा है कि ये अवेयर हो रहे हैं अपनी गलतियों से और ये अपनी गलतियों पर रिग्रेट भी इनको हो रहा है. इन्हें लग रहा है कि जो भी ये पास्ट में करके आए हैं, जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, जो भी इनके बिहेवियर रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत था. आपके साथ जो ये टॉक्सिक हुए या आपको हमेशा निग्लेक्ट करा, अवॉइड करा, आपको ये चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए थी. आपने तो इन्हें हमेशा एक्सेप्ट करा, ये जैसे भी थे. मतलब ऐसा नहीं है, देखो कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है ना, लेकिन आप ये पर्सन जैसे भी थे, ये पॉजिटिव थे, नेगेटिव ट्रेट थे कुछ इनके, कुछ पॉजिटिव थे ट्रेट इनकी पर्सनालिटी में, लेकिन आपने इन्हें ये जैसे थे वैसे आपने इन्हें एक्सेप्ट करा. आपने इन्हें बदलने की कोई कोशिश नहीं करी. अगर ये आपके आपके सेम फाइनेंशियल लेवल के नहीं थे, आप हाई फाइनेंशियल लेवल के थे तो भी आपने एक्सेप्ट करा. अगर आप दोनों के बीच में एज गैप था तो भी आपने इनको एक्सेप्ट करा. अगर आप दोनों के बीच में कल्चर को लेकर डिफरेंसेस थे, ठीक है, तो भी आपने इन्हें एक्सेप्ट करा. तो अगर पर्सनालिटी को लेकर डिफरेंसेस थे तो भी आपने इन्हें एक्सेप्ट करा. यानी इनका जो भी पॉजिटिव था, नेगेटिव ट्रेट थे, पॉजिटिव ट्रेट थे, आपने हर चीज को निग्लेक्ट कर आपने इन्हें एक्सेप्ट करा है. ठीक है, आपने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो आप 100% इनके लिए लॉयल डिवोटेड हो गए थे. लेकिन ये पर्सन आपको 100% एक्सेप्ट नहीं कर पाए. और आज भी मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को ना बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं. आपके लिए इनके दिल में इमोशंस बहुत हैं, बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने उन इमोशंस, अपने उस प्यार को ना सप्रेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है, ये उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं. इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस. ठीक है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो रही है एक्सेप्टेंस. ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं. ये ना ये मानते आए हैं अभी तक, ये मैं पास्ट की बात बता रही हूं कि अभी तक ये यही मानते आए हैं कि ये रह लेंगे आपके बिना, भूल जाएंगे. आज आपको याद कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे. ये मानते आए हैं अभी तक. इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा आपको पूरे तरीके से, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करा. तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है ना एक्सेप्टेंस. और आज मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है, जहां पर ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ अब ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं. अब इनके दिल में आपके लिए प्यार है, अब इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और ये आपको पाने के लिए अब कुछ भी करेंगे. तो अब ये इन चीजों को भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. तो जैसे जैसे वो इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं वैसे वैसे इनके अंदर ये एक्सेप्टेंस भी आ रहा है. इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस जाग रहे हैं, फीलिंग्स जाग रही हैं. ठीक है, जो कहीं ना कहीं इन्होंने सप्रेस करके रखी थी वो फीलिंग्स और इमोशंस इनके अंदर बहुत ज्यादा जाग रही हैं. ओके, एंड अब ये आपसे अलग दूर नहीं रहना चाहते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये आपसे अलग और दूर नहीं रहना चाहते. उन्हें लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह है. ठीक है, आपने अपने दिल के दरवाजे जैसे उनके लिए बंद कर दिए हो तो वो अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं. एक वक्त था आपको पराया महसूस कराया था, लेकिन आज ये खुद पराया महसूस कर रहे हैं आपकी लाइफ में. इन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, देखो गलत तो ये करके गए हैं आपके साथ, बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत तकलीफ दी है आपको इन्होंने, है ना. लेकिन इतनी तकलीफ, इतना दुख देने के बाद भी इनको लगता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करने वाले. और आप कैसे करोगे, आप कैसे ट्रस्ट कर लोगे ऐसे पर्सन पर. ठीक है, जो एक बार आपको दुख दे चुका है, आपका दिल तोड़ चुका है. एक बार नहीं बल्कि कई बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है. आपने हर बार उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करी है, उन चीजों को निग्लेक्ट करने की कोशिश करी है. लेकिन कब तक, आखिर कब तक आप इन्हें आप जो हो इन्हें माफ करते रहोगे, है ना. और अब आपके लिए भी एक हाई टाइम आ चुका है जहां पर अब आप इन्हें माफ नहीं करना चाहते हो. आप चाहते हो कि नहीं, अब मुझे अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर में कुछ करके दिखाओ. आप इनकी तरफ से अब कमिटमेंट चाहते हो, अश्योरेंस चाहते हो. ठीक है, अब आप इन्हें यूं ही माफ नहीं करने वाले हो. अगर इन्हें जरा भी ये लगता है ना कि ये आएंगे और आप यूं ही इन्हें माफ कर दोगे, ठीक है, तो नहीं. अब आप चाहते हो कि कमिटमेंट दें आपको, आपको अश्योरेंस दे. ठीक है, तब आप कहीं ना कहीं इनको माफ करोगे.
अगर आपको और ऐसा भी लग रहा है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है. ये अभी भी मूव ऑन नहीं करा है इन्होंने, अभी भी गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर, और आज भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं. ओके, कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं इनकी लाइफ में जो आप तक नहीं आ पाते हैं. ये ऑब्स्टैकल इनके माइंडसेट के हो सकते हैं, और वन सेकेंड, ठीक है, ये ऑब्स्टैकल इनके माइंडसेट के भी हो सकते हैं. यानी ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ना अपने आप को बाउंड कर लिया, माइंड में बाउंड कर लिया है, ठीक है, आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, या इनको लग रहा है कि नहीं, शायद फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर अगर आप दोनों की शादी भी हो गई तो शायद इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली, आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ये मेंटली इन रीजंस से, कुछ रीजंस हैं इनकी लाइफ में जिनसे इन्होंने मेंटली अपने आप को बाउंड कर लिया, और उनको लग रहा है कि नहीं, शायद आपको अप्रोच करना सही नहीं है, शायद आपसे दूर रहना ही सही है. तो ये चीज भी ये पर्सन फील कर रहे हैं, इस वजह से भी ये पर्सन कोई एक्शन या एफर्ट्स नहीं डालते हैं. चलिए और भी चेकआउट करते हैं. प्लीज डिवाइन, और बताएं क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए. तो दिस इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, एट ऑफ वैंड, ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, फोर ऑफ सोड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम में वी हैव टेन ऑफ कप्स. ग्रेट. देखो, फ्यूचर तो ये भी चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये भी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपके साथ ये फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं. ये टेन ऑफ कप की एनर्जी है जो ये आपके साथ ना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. इनको बहुत याद आता है आपका प्यार, आपकी केयर, आपका अनकंडीशनल लव, इनको बहुत ज्यादा याद आता है. यू नो, आप दोनों के बीच में लाइक एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है. आपके साथ ना इनको लाइक मदरली फीलिंग आती है. देखो, अब आप मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, लेकिन आपके साथ इनको एक मदरली फीलिंग आती है. यानी आप जिस तरीके से इनकी केयर करते आए हो, जिस तरीके से इन्हें प्यार देते आए हो ना, इनको आपके साथ बहुत ज्यादा मदरली फीलिंग्स आती हैं, ठीक है. और ये आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन, बॉन्ड, कंफर्ट जोन फील कर पाते हैं, ठीक है. और वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं. उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाकर, आपको खोकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है. आपसे बात बंद करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है. इन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी. तो अपने ही कुछ एक्शंस को ये सोच रहे हैं, अपने ही कुछ एक्शंस को, बिहेवियर को ये एनालाइज कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है. अगर कोई इनके साथ ऐसा करता तो शायद ये उन्हें कभी माफ नहीं कर पाते, है ना. लेकिन आपने तो फिर भी हर बार इनको माफ करा है. आपने इसलिए इन्हें माफ करा है क्योंकि आपके दिल में इनके लिए हमेशा प्यार रहा है, है ना. आपने प्यार के आगे इन चीजों को कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं. तो ये चीज भी सोच पा रहे हैं. और अब सिचुएशन ऐसे आपके फेवर में आ चुके हैं ना कि अगर कोई पर्सन यहां पर इन्हें लाइक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है आपके अगेंस्ट, लाइक यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि अगर ये पर्सन कोई रोमांटिक कनेक्शन में है, या फिर अगर रोमांटिक कनेक्शन में नहीं है तो भी ये कोई फ्रेंड या फैमिली के कहने से आपसे अलग हुए हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इन्होंने बनाई है, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं कि अगर ये पर्सन को कोई आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, तो ये पर्सन अब आपके अगेंस्ट भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है. ये उस पर्सन से या तो लड़ पड़ रहे हैं या फिर उस पर्सन से बातचीत बंद कर रहे हैं, बट ये अब आपके अगेंस्ट नहीं सुनना चाहते हैं किसी हाल में भी, ठीक है. क्योंकि इनके अंदर आपके लिए ऐसे फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस डेवलप हो चुके हैं ना कि अब ये बिल्कुल भी आपके आपके अगेंस्ट किसी से भी नहीं सुनना चाहते हैं. उन्हें समझ में आ चुका है कि वो गलत थे, आप नहीं, ओके. एंड ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं. यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो ये आपके बारे में ही सोचते हुए नजर आएंगे. तो ये चाहते हैं आपसे माफी मांगना, ठीक है. लेकिन ये फर्स्ट अप्रोच करने से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं. इन्हें डर लग रहा है फर्स्ट अप्रोच करने से. इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो या कुछ ऐसा ना कह दो जो इनकी ईगो को, इनकी प्राइड को हर्ट कर जाए. ये नहीं चाहते कि आप कुछ इन्हें ऐसा कह दो जो इनकी ईगो या प्राइड को हर्ट कर जाए और फिर सिचुएशन और खराब हो जाए. तो ये सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहते हैं, सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं. और ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अब ये अभी तक ये इन प्रॉब्लम से भाग रहे थे, पीठ दिखाकर भाग रहे थे, ठीक है. लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को फेस करना ही होगा.
ठीक है, तो अब ये इन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हैं या आपको फेस करना चाहते हैं और ये रिस्क लेना चाहते हैं, बेसिकली इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब ये रिस्क लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, ओके, और आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे आपसे बात करने का नतीजा कुछ भी हो, अब ये उस नतीजे के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, चाहे आपसे बात कर बाद में इन्हें पछताना पड़े, या चाहे आपसे बात कर हो सकता है आप इन्हें माफ ना करो या आप इन्हें इग्नोर कर दो, ठीक है, ये अब किसी भी नतीजे के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे माफी मांगनी है और इस कनेक्शन को बेहतर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन इन्हें नजर आ रहा है, वो ये है कि इन्हें आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो अब ये सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं कि ये आपसे डायरेक्ट बातचीत कर सके, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स को। सो यहां पर है एंग्जाइटी, ओके, और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग, सीक्रेट क्रश, हीलिंग, ओके, सो हीलिंग भी हो रही है, मास्क, सोलमेट्स, लिक्विड करेज, क्रॉसरोड्स एंड इंट्यूशन, ग्रेट। मैं जहां तक इनकी एनर्जी देख रही हूं, ये पर्सन अब अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं। अब ये अभी तक ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चले थे, बहुत मैनिपुलेटिव कंट्रोलिंग रहे हैं, लेकिन अब ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। ये इस चीज को महसूस कर चुके हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है, ठीक है, और अब वो और उस प्यार को अपने अंदर सप्रेस नहीं करके रखना चाहते हैं, वो अपने इमोशंस, वो प्यार अब आपको दिखाना चाहते हैं। इवन अब आप उनके अंदर, उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस में ना, उनके अंदर लाइक अपने लिए प्यार देखने वाले हो, ठीक है, लिटरली आपको दिखेगा कि हाँ वो पर्सन के दिल में एक्चुअली में प्यार है। एक पछतावे की एनर्जी आपको उनके अंदर दिखेगी, इस पर्सन को आपने ना पूरा बदल के रख दिया, पूरा पूरा चेंज कर दिया, ठीक है, ये पर्सन पूरे तरीके से बदल गए हैं। मैं इनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ भी देख रही हूँ आपसे बात करने की, आपको अप्रोच करने की। ये डिवाइन से बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि इन्हें एक मौका और मिल जाए आपसे बात करने का, इन्हें एक मौका और चाहिए आपसे कनेक्ट करने का, अपनी बात आपके सामने रखने का, ओके। तो अगर इवन आपने इन्हें ब्लॉक भी कर रखा है ना, लाइक अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा था या आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये आपको अनब्लॉक कर चुके हैं, ठीक है, ये आपको अनब्लॉक कर चुके हैं और ये गॉड से भी प्रे कर रहे हैं कि आप भी इन्हें अनब्लॉक कर दो, आपसे एक बार ये बात करना चाहते हैं, खुलकर क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपके सामने अपने दिल की बात जैसे रखना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि जब तक ये अपने दिल की बात अब आपके सामने नहीं रख देते हैं ना, इनको सुकून नहीं मिलने वाला है, ठीक है, चाहे उसके बाद आपका कोई भी फैसला हो, पर ये अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। इनके थॉट में यही चीज है, ये अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, मैं देख रही हूँ ये क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई फैसला ले लेना चाहते हैं, यानी अगर इन्हें अब आपसे शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है, आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना है, तो ये अब एक फैसला ले लेना चाहते हैं कि हाँ अब ये आपका साथ देंगे तो देंगे बस। क्योंकि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनको एक्शंस लेने चाहिए थे, जहां पर इनको एफर्ट्स डालने चाहिए था या इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहिए था, वहां पर ना ही इन्होंने एफर्ट्स डाले, वहां पर ना ही इन्होंने फाइट करी इस कनेक्शन के लिए। तो अब ये इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ओके। आपको भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अब शायद एक तरफा ही रह गया आपका प्यार, क्योंकि इनकी तरफ से तो आपको प्यार इमोशंस दिख ही नहीं रहे थे, पर अब ये दिखाएंगे, ये अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, जो ये बिल्कुल प्रिटेंड कर रहे थे अभी तक कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, या ये खुश हैं अपनी लाइफ में, तो अब ये आपको दिखाएंगे अपने इमोशंस, फीलिंग्स, ओके। ये ऑलरेडी बहुत एंग्जाइटी में, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, ओके, चीज को, इस चीज को लेकर कि कैसे आपको अप्रोच करा जाए, या अगर आपको अप्रोच भी करते हैं तो आपसे क्या बातें करेंगे। तो एंग्जाइटी तो उन चीजों की भी है और बहुत ज्यादा सप्रेस भी कर रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स, लेकिन अब नहीं करेंगे, स्पाई कर रहे हैं आपको एंड चेकआउट करते हैं, आपकी सोशल मीडिया को चेकआउट करते हैं, अगर ब्लॉक कर रखा है आपने तो फेक आईडी बनाकर चेकआउट करते हैं, लेकिन ये चेकआउट कर रहे हैं आपकी आपकी सोशल मीडिया को, जरूर चेकआउट कर रहे हैं। आप लोग सोलमेट हो,
चाहे आप इस फिजिकल वर्ल्ड में अलग हो, सेपरेटेड हो, लेकिन वहां उस 3D वर्ल्ड में आप लोग एक ही सोल हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए ही भगवान ने जैसे आप दोनों को बनाया है, तो बिल्कुल, और सोलमेट का रीयूनियन रिकंसिलेशन तो तय ही है, तो बिल्कुल फिर आपने बस वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि अब ये पर्सन अपने इमोशंस दिखाने, अपनी फीलिंग्स दिखाने आ रहे हैं आपके पास। चलिए कुछ लव मैसेजेस इनकी तरफ से देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, चाहे मैं तुमसे कहूं या ना कहूं, आई विल फॉरगिव यू। अगर आपकी कोई चीज इनको बुरी लगी थी, गलत लगी थी, तो ये आपको माफ कर चुके हैं। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्यार को छोड़कर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनकी तरफ इनको फोकस करना पड़ रहा है, या जो इनकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, बट अब ये आपको ही प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और इनको लिटरली वन सेकेंड, और अब इनको लिटरली ये लगने लगा है कि अब काश आप पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ फिर से कनेक्ट करो। ये आपको इनडायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, फ्रेंडशिप को ऑफर रख सकते हैं आपके सामने। ये अपनी रियल इमोशंस आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट अब ये दिखाएंगे आपको। ये पहले आपके प्यार को क्यों नहीं समझे, आज उस चीज का पछतावा इन्हें हो रहा है। ये आपके ही सपने देखते हैं, जब ये रात को सोते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आप ही इन्हें दिखाई देते हो, आप ही के सपने आते हैं इन्हें, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इन्हें नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो अपने दिल में, आप क्या महसूस कर रहे हो, पर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। राइट, सो ये गाइस आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करने के लिए आज की इस रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।